हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक धीरी इंस्ट्रक्टर बीआईटी सिंधरी। आइए आज हम लोग 4 बिट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का सर्किट डिजाइन करना सीखते हैं। तो ये हम लोग का वर्क स्पेस है, यहाँ पे हम लोग सारे कंपोनेंट को लाके ड्रॉप करेंगे और सर्किट डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से कंपोनेंट लेंगे, तो इसमें हम लोग को रजिस्टर और ओपेम्प का जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ से कंपोनेंट ले लेते हैं, तो प्लेस एनालॉग में क्लिक करके हम लोग 741 ओपेम्प ले लेंगे। इसको यहाँ से ओके करेंगे, फिर हम लोग यहाँ प्लेस बेसिक पे क्लिक करके रजिस्टर ले लेंगे और इसको यहाँ पे हम लोग लाके ड्रॉप कर देंगे। तो लगभग हम लोग 9 रजिस्टर ले लेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे स्विच में क्लिक करके SPDT स्विच ले लेंगे। तो SPDT स्विच से हम लोग डिजिटल इनपुट देंगे, तो ये हम लोग 4 SPDT स्विच लेंगे। तो इसको 4 हम लोग SPDT स्विच ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसको पहले हम लोग क्लिक करके 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे और यहाँ से हम लोग इन यूज लिस्ट से SPDT स्विच ले लेंगे। तो ये 4 स्विच ले लिए। अब हम लोग यहाँ पे ओपेम्प को सप्लाई देने के लिए -12 वोल्ट और +12 वोल्ट लेंगे। तो यहाँ सोर्स पे क्लिक करके हम लोग VCC और -VEE ले लेंगे और फिर ग्राउंड लेंगे दो ग्राउंड ले लेंगे और एक हम लोग DC पावर सोर्स लेंगे। ये हम लोग का रिफरेंस वोल्टेज के लिए यूज होगा, तो इसको हम लोग 5 वोल्ट पे सेट करेंगे। तो ओपेम्प को हम लोग राइट क्लिक करके इसको फ्लिप वर्टिकल कर देंगे, तो ये हम लोग का ऊपर वाला टर्मिनल इन्वर्टिंग होगा और नीचे नॉन इन्वर्टिंग। तो नॉन इन्वर्टिंग को हम लोग ग्राउंड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को यहाँ पे ग्राउंड कर दिए और PEE वोल्टेज को राइट क्लिक करके इसको भी हम लोग फ्लिप वर्टिकल कर देंगे और इसको डबल क्लिक करके इसका वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो इसका वैल्यू होगा -12 वोल्ट बी को हम लोग पिन नंबर 4 पे कनेक्ट करेंगे और VCC को पिन नंबर 7 पे। तो इसको हम लोग बी को पिन नंबर 4 पे कनेक्ट कर दिए और VCC को राइट क्लिक करके इसको फ्लिप वर्टिकल करते हैं और इसको डबल क्लिक करके इसका वैल्यू को चेंज कर देंगे 12 वोल्ट। इसको ओके कर देंगे और इसको हम लोग पिन नंबर 7 पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये पावर सप्लाई का कनेक्शन हो गया। अब R1 को हम लोग फीडबैक रजिस्टर में रखेंगे, तो इसको डबल क्लिक करके इसका वैल्यू को चेंज कर देंगे। हम लोग 20 किलो ओम रखेंगे और यहाँ पे R2 को हम लोग 10 किलो ओम रखेंगे, तो ये R हो जाएगा और फिर R3 को हम लोग डबल क्लिक करके इसका वैल्यू को चेंज कर देंगे, ये 20 किलो ओम होगा, तो ये 2R होगा और R3 को राइट क्लिक करके इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। R2 को पिन नंबर 2 पे कनेक्ट कर देंगे और ये R1 जो है फीडबैक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और R3 को भी इसी पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। R5 को फिर राइट क्लिक करके हम लोग 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे और इसका वैल्यू को भी 2R कर देंगे, तो यहाँ पे 20K। R4 का वैल्यू को R कर देंगे, तो इसको डबल क्लिक करके वैल्यू 10K कर देंगे
आर का वैल्यू 10K होगा और 2R का वैल्यू 20K। R5 को हम लोग इन दोनों R2 और R4 के बीच में R5 को कनेक्ट कर देंगे। फिर हम लोग R6 को R4 के साथ कनेक्ट करके इसका वैल्यू को चेंज कर देंगे 10K, ये R होगा। और R7 को हम लोग डबल क्लिक करके इसका वैल्यू कर देंगे 2R, यानी इसको 20K इसका वैल्यू चेंज कर देंगे। और इसको राइट क्लिक करके क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। इसको यहाँ पे R6 और R4 के बीच में कनेक्ट कर देंगे। R8 को फिर डबल क्लिक करके इसका वैल्यू भी 2R कर देंगे, यानी 20K। और R9 का वैल्यू को भी 2R कर देंगे, इसका वैल्यू होगा 20K। R9 को राइट क्लिक करके क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। R8 और R6 को कनेक्ट कर देंगे और R9 को दोनों के बीच में यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको रजिस्टर को अरेंज करके इसको कनेक्शन करेंगे। अब हम लोग स्विच को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इधर हम लोग का MSB होगा, इधर LSB वाला रजिस्टर होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से कनेक्शन करते जाएंगे। तो स्विच का जो है इधर एक ही टर्मिनल है, इसको हम लोग रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। और इधर दो टर्मिनल है, तो इसको एक ग्राउंड और एक रेफरेंस वोल्टेज में कनेक्ट करेंगे। तो ये V1 को डबल क्लिक करके इसका वोल्टेज हम लोग चेंज कर देंगे 5 वोल्ट, ये हम लोग का रेफरेंस वोल्टेज होगा। तो ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग यहाँ पे सीधा कनेक्ट कर देंगे। तो ये जब हम लोग का यहाँ पे कनेक्ट होगा 5 वोल्ट पे, तो इसको हम लोग लॉजिक 1 लेंगे। और फिर ये जो है सेकेंड वाला टर्मिनल जो होगा उसको हम लोग ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे। तो इसको हम लोग लॉजिक 0 लेंगे। तो इस तरह से कनेक्ट करेंगे। और ये जो R8 का एक टर्मिनल है इसको भी हम लोग यहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे डबल क्लिक करके इसका स्पेस जो है इसको हम लोग चेंज करके A कर देंगे, तो ये LSB होगा। और इसको B, और फिर इसका वैल्यू चेंज करके इसको C कर देंगे। और ये D होगा, ये हम लोग का MSB है। अब इसका आउटपुट देखने के लिए हम लोग एक मल्टीमीटर लेंगे और R1 का एक टर्मिनल को पिन नंबर 6 पे कनेक्ट कर देंगे। मल्टीमीटर का पॉजिटिव को हम लोग पिन नंबर 6 पे कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये इस तरह से सर्किट कनेक्शन होगा। तो आइए अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो मल्टीमीटर को डबल क्लिक करेंगे और इसको वोल्टेज और DC मोड में सेट करके रखेंगे ABCD। तो अभी देखिए ये ग्राउंड के साथ है, तो हम लोग अभी इसको लॉजिक 0 इनपुट दे रहे हैं। जब हम लोग इसको A को प्रेस करेंगे, ये 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट होगा, तो इसको लॉजिक 1 लेंगे। तो अभी यहाँ से इसको रन करेंगे, तो सारा इनपुट अभी 0-0 है। तो ये हम लोग का मिली वोल्ट में आउटपुट आ रहा है, 4.544 मिली वोल्ट ये आउटपुट आ रहा है। अब हम लोग A को हाई कर देंगे, यानी ये LSB है, तो A को 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिए। तो देखिए हम लोग का आउटपुट आ रहा है -620.447 मिली वोल्ट। इसको अगर हम लोग वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.620 वोल्ट होगा। फिर हम लोग
डी को हाई करेंगे तो देखिए अभी हम लोग का आउटपुट आ रहा है -1.245 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लोग डिजिटल इनपुट सेट कर रहे हैं, हम लोग ए और बी को दोनों को हाई कर देंगे। तो देखिए दोनों को हाई किए तो -1.87 वोल्ट आ रहा है। फिर हम लोग सी को हाई करेंगे और ए बी को लो कर देंगे तो अभी आउटपुट आ रहा है -2.495 वोल्ट। फिर हम लोग इनपुट देंगे, ए को हाई करेंगे और सी को हाई करेंगे तो देखिए अभी -3.12 वोल्ट आउटपुट आ रहा है। फिर हम लोग बी और सी को हाई करेंगे और ए और डी को लो कर देंगे तो अभी आउटपुट आ रहा है -3.745 वोल्ट। फिर हम लोग ए बी सी तीनों को हाई कर देंगे तो तीनों को हाई कर दिए तो देखिए अभी आउटपुट आ रहा है -4.37 वोल्ट। अब हम लोग डी को हाई करेंगे, ए बी सी तीनों को लो कर देंगे, तीनों को लो कर दिए और अभी डी को हाई कर दिए तो देखिए अभी -4.995 वोल्ट आउटपुट आ रहा है। फिर हम लोग ए और डी को हाई करेंगे तो ए और डी हाई किए तो -5.62 वोल्ट आउटपुट आ रहा है। अब हम लोग बी और डी को हाई करेंगे, ए को लो किए, डी को हाई किए और डी को हाई किए तो आउटपुट आ रहा है -6.245 वोल्ट। फिर हम लोग ए बी और डी को हाई करेंगे तो देखिए -6.87 वोल्ट आउटपुट आ रहा है। अब हम लोग सी और डी को हाई करेंगे और ए बी को लो कर देंगे तो आउटपुट अभी आ रहा है -7.49 वोल्ट। अब हम लोग डी सी और ए को हाई करेंगे तो देखिए -8.12 वोल्ट। अब हम लोग ए को लो कर देंगे और तीनों इनपुट को हाई कर देंगे तो बी सी डी तीनों हाई है तो देखिए आउटपुट आ रहा है -8.745 वोल्ट। अब हम लोग चारों इनपुट को हाई कर देते हैं तो एक को हाई कर दिए और चारों इनपुट हम लोग का लॉजिक हाई है तो आउटपुट आ रहा है -9.37 वोल्ट। तो इस तरह से हम लोग तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।